जय बोले बाबा जी की। हाँ, जय बाबा बर्फानी जय बाबा बर्फानी जी की। सर, आपसे पूछना था ना कि मैंने यहाँ पर मेडिकल के लिए गए थे, जो क्या नाम है, गवर्नमेंट में हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि पैसे लगेंगे इतने और फिर आपका मेडिकल होगा। कितने पैसे? उन्होंने कहा कि 3-4 हज़ार लगेगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। गवर्नमेंट के अंदर? हाँ, कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? मैं झारखंड में हूँ, और झारखंड में वो निर्मला कुछ है नाम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल है? नहीं, गवर्नमेंट है वो, जो आपने वो जो लिस्ट में आया ना झारखंड का, वही वाला। मैडम गवर्नमेंट में तो 3-4 हज़ार रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, प्राइवेट के 3-4 लाख के बराबर हो गया ना। गवर्नमेंट में तो मुश्किल से मुश्किल 200-250 रुपए मैक्सिमम अभी तक जो मैंने सुना है, वो भी एक्सरे और ईसीजी कराए हैं। ये 3 हज़ार में क्या करेंगे आपका? वही बात है, मैंने कहा कि उनसे कहा कि ये तो गवर्नमेंट वाला है, आपका सर्विस चल रहा है, तो आप 3-4 हज़ार क्यों ले रहे हो। तो वही बात है, फिर उन्होंने कहा कि आपको एसपी से एप्लीकेशन लिखवाना पड़ेगा कि मैं जा रही हूँ यहाँ की क्या नाम है अमरनाथ यात्रा। अच्छा, तो वो आपको एप्लीकेशन पे साइन करके देंगे कि हाँ आप जा सकते हो, तो फिर आप वो लेके आओ मेरे पास, उसके बाद से मैं मेडिकल करवाऊंगा। मैडम ये बंदा कोई गलत गलत आदमी है कोई ना, ये कहते ना, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहूँ इसको, मैं अपना मुंह क्यों खराब करूँ। ये एसपी से क्यों मोदी जी से लिखवा के ले आएंगे बोलो? इसमें कोई कहीं लिखा है कि एसपी से एजुकेशन लिखवानी है आपको? वही तो बात है, छोड़ दो इसको, इसकी बात ही मत करो आप। वैसे भी ना अभी बताओ कोई और हॉस्पिटल है आपके नियर बाई? नहीं, सिर्फ वही है, सिर्फ उसी में जाने के लिए गवर्नमेंट में दिखाई दे रहा है, और कुछ भी नहीं है। झारखंड की जो लिस्ट आई है उसमें क्या लिखा होगा, ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा है या क्या लिखा है? नहीं, सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो निर्मल वाला, निर्मला। अच्छा, कुछ करके झारखंड में एक ही हॉस्पिटल का नाम दिया गया है? नहीं, झारखंड में नहीं, मेरी लोकेलिटी में, धनबाद में। धनबाद में एक ही हॉस्पिटल का नाम दिया गया, तो वहाँ और यात्री नहीं आ रहे मेडिकल करवाने के लिए? वहाँ आ रहे हैं, पर उन्होंने भी कहा कि वो 2-3 हज़ार में उन्होंने भी काम करवाया है। और एसपी से लिखवा के लाए? हाँ, बोल रहा था उन्होंने, वो तो ये नहीं बात कहा उन्होंने कि एसपी वाला कुछ, पर मेरे को वो बोल रहा था। मैडम देखिए, एक तो ये है कि ऐसे बेवकूफ आदमी से दिमाग मारेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हाँ, और कोई फायदा नहीं है, पर हाँ अकल सिखानी जरूरी है, तो आप शाइन बोर्ड में कंप्लेन कर सकते हैं इनकी ना। ठीक है, है ना, वीडियो बना के या कुछ ऐसे करके इनकी कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि इनको अकल तो आए। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, या तो इनको ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है भी तो ये कहाँ से ज्ञान बताया कि एसपी क्यों लिख के देगा कि मुझे अमरनाथ जी यात्रा पे जाना है। एसपी क्या मतलब, आपको जाना है तो वही बात है, तो इनको ज्ञान नहीं है या फिर ये बेवकूफ बना रहे हैं। और इनसे 3-4 हज़ार रुपए किस चीज के मांग रहे हैं भगवान जाने, ये आपसे रिश्वत मांग रहे हैं या कोई टेस्ट करेंगे 3-4 हज़ार रुपए के? पर 3-4 हज़ार के टेस्ट नहीं होते हैं। हाँ वही तो, उसमें टेस्ट ईसीजी वगैरह है, ये सब तो गवर्नमेंट में ज्यादा पैसे इसमें थोड़ी लगते हैं। तो आपके पास मजबूरी है कि आपका हॉस्पिटल यही, अगर आपको यही कराना है फिर तो ये बहुत दिमाग मारने वाली कहानी है, क्योंकि दोनों ही चीजें मेरे को समझ नहीं आ रही, ना ही पैसों का समझ आ रहा है, ना ही एसपी वाला समझ आ रहा है, या तो फिर आप शाइन बोर्ड में। लेकिन शाइन बोर्ड का भी है कि आप 50 बारी कॉल करेंगे तो शायद आपका कॉल एक बार लग जाए। हाँ, ये समझ रहे हो, ये समस्या हमने नंबर डाला हुआ, एक बार कॉल कर लो, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, शाइन बोर्ड इस बारे में क्या कहता है मुझे भी भेज देना, ठीक है? दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये कि कहीं दूर और जगह से आप कोई थोड़ा सा और किसी मतलब रांची वगैरह, रांची जमशेदपुर। कितना दूर पड़ेगा आपके यहाँ से? हाँ, बहुत दूर पड़ेगा यहाँ से, लगभग 4-5 घंटे में ट्रेन या बस से जाना पड़ जाएगा। माय गॉड, ये तो बहुत परेशानी है फिर तो। तो एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनिए ध्यान से। हाँ बोलिए। मैं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और हाँ, साथ में जो आपके कौन सी जगह बताई आपने? झारखंड। झारखंड में अपना बताइए ना, कौन सा बताया आपने? निर्मला कुछ? नहीं, जिस जहाँ पे आप रहती हैं। धनबाद से हमारे काफी सारे यात्री यात्रा पे जा रहे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े भी होंगे। अच्छा। तो मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे नीचे ना वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे यात्री लोग। अच्छा, तो आप उनसे बात करना कि उन्होंने कहाँ से करवाया, बाकी उनके इतने, देखो हॉस्पिटल वाले तो आपको सच बताएंगे नहीं किसी भी एंगल से, है ना, तो जो यात्री होंगे वो अपना नंबर दे देंगे नीचे कमेंट बॉक्स। तो आप उनको कॉल करके पूछना कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को भी यात्रा पे जाना है, और आपने कहाँ से करवाया मेरा भी करवा दो, तो वो आपको रास्ता बता देंगे, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो धन्यवाद से भी कोई ना कोई जरूर होगा और आपकी मदद पक्का हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मतलब नाम हम तो नहीं आ रहे, वैसे तो काम करना नहीं मन कर देंगे ना, वो चीज पूछ रही थी। नाम आपका आया ही नहीं ना, नाम तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, और जिससे आप बात करेंगे उसे भी नाम मत बताना अपना, जब आपको भरोसा हो जाएगी बंदा जेन्युइन है जब नाम बताना।
हाँ है ना, ठीक है, और उसको हाँ नाम हाँ बताने की जरूरत भी क्या है। अगर मेरे मेरे को आपने फोन किया तो मैं कहूँ हाँ मैडम मैं करवा दूंगा आपका मेडिकल, भैया कहाँ से करवाया मैं करवा लूंगी, बता दो आपका कितना खर्चा आया, तो कोई बातों से अच्छा, पता चलता है कौन इंसान कैसा है हाँ ना। ये बात है। हाँ हाँ तो अच्छा, ऐसे ही है, तो एक वैसे ही। और, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी पूछिए। हाँ, एक और क्वेश्चन ये था ना कि जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ धनबाद में, और मेरे भैया हिमाचल में रहते हैं, तो दोनों को ही मेडिकल कराना, तो सेम डेट पे कैसे मिलेगा हम लोग को रजिस्ट्रेशन? इसके लिए कुछ हिमाचल में कहाँ आइडिया? रहते हैं आपके भैया? हिमाचल में, बद्दी में रहते। अच्छा बद्दी में जॉब करते होंगे वहां पे इंडस्ट्री। हाँ, हाँ हाँ ठीक है, तो वो अपना मेडिकल हिमाचल में करा लेंगे। अच्छा हाँ ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करा सकते हैं आप, अपना वहां से करवा लीजिए। परमिट आप एक डेट का लीजिएगा, आप बैंक में लेंगे या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना। हाँ ऑफलाइन ही बैंक वाला ही सोच के रखा है। हाँ तो जो डेट आप लेंगे वही डेट भैया को बताना, भैया भी वही डेट लेंगे, अच्छा ठीक है, थैंक चाहे यू सर। ऑनलाइन से लीजिए चाहे ऑफलाइन से लीजिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू तो सर, मैं डाल थैंक दूंगा, यू। तो उसमें जो भी अपडेट धनबाद से जो भी यात्री होंगे हमारी मदद आप हाँ पक्का करेंगे।